हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर तरुण मित्तल। आज का मेरा टॉपिक है एरिया। इस टॉपिक के अंडर हम लोग एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे डिफरेंट पॉलीगॉन्स के लिए, और उन पॉलीगॉन्स के सब फार्मूलाज को आप ध्यान रखते हुए उनकी एप्लीकेशन सीखेंगे। आप सब जानते हैं ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक के लिए मैंने 2-3 लेक्चर्स कवर किए हैं। डे बाय डे धीरे धीरे आप डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर आप डिफरेंट पॉलीगॉन्स का एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। First, you have the introduction, and first definition for area lecture is the space enclosed within a closed figure is called area. मुझे लग रहा है आप लोगों को ये point clear हुआ होगा। हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस दिया होगा, जो उसका जो हमारे पास बीच का एरिया होगा क्लोज, दैट इज नोन एज योर एरिया। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द लाइंस एंड क्लोजिंग द स्पेस इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर हम लोग एरिया सीखेंगे एंड पैरामीटर सीखेंगे। पैरीमीटर में उस स्पेस को बनाने के लिए जो भी आपकी लेंथ यूज हो रही है, जो लाइन यूज हो रही है, उनकी लेंथ को अगर आप ऐड कर देते हो तो जो कुछ निकल कर आता है दैट विल बी नोन एज योर पैरीमीटर। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हम शुरू कर रहे हैं। आपने मेरे मुंह से पॉलीगॉन वर्ड सुना है। पॉलीगॉन में हमारे पास 3 or more than 3 साइड्स को हम यूज करेंगे। वेरी फर्स्ट हम 3 साइड्स के फिगर्स के लिए बात करते हैं, और आप लोग सब जानते हैं 3 साइडेड फिगर्स को हम लोग ट्रायंगल्स का नाम देते हैं। पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज बेस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स का नाम दे देते हैं। वेरी फर्स्ट ट्रायंगल इज, ये जनरल ट्रायंगल है आप लोगों के लिए। हमारे पास कोई भी एक प्लेन फिगर जो आप लोगों के पास 3 स्ट्रेट लाइन से कवर होगा, उस हम फिगर को हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। आप लोग शेप देख रहे होंगे, ये हमारे पास ट्रायंगल की शेप है जिसमें हमारे पास 3 साइड्स है और 3 ही आप लोगों के पास इसके वर्टिसेस है। नाउ द फर्स्ट इज द पैरीमीटर। पैरीमीटर इज द ए प्लस बी प्लस सी, जबकि हमारे पास ए बी सी हमारे पास तीनों साइड्स को हमने नाम दे दिया गया, उनकी लेंथ है। एंड वट इज द एरिया, ये आप लोगों ने बहुत बचपन से सीखा होगा स्कूलिंग लेवल में। ये हम लोगों के पास अगर लेंथ है, हमारे पास साइड्स की लेंथ पता है, तो हम उसके लिए पहले सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। बट सेमी पैरामीटर इज डिनोटेड बाय एस एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल बाय 2। और इसी की हेल्प से अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं हीरोज फार्मूला के अंडर, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल ऑफ अंडर रूट। आप लोग जानते हो अंडर रूट को हम हाफ पावर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, होल ऑफ पावर हाफ। नाउ द अगेन द एरियाज का एक और फार्मूला हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट। जिस साइड को आप बेस लेते हैं उसी के ऑपोजिट वर्टेक्स से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग का जो वर्टिकल लाइन, यहाँ बारे हम स्पेशल ध्यान रखना है, जो वर्टिकल लाइन होगी दैट लाइन इज नोन एज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और इसके हिसाब से अगर हम एरिया निकालने शुरू करते हैं द नेट विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ से अब आप लोगों के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल शुरू हो गए। वेरी फर्स्ट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगा जब आपकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, और ऑब्वियस है तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है आप लोगों के पास, तो हम आपको इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर? हमारे पास सबसे पहले पैरीमीटर। पैरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, इट विल बी इक्वल टू 3a। और अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहें, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3/4a² एंड वट इज द ए, ए इज द लेंथ ऑफ द एनी साइड। एनी साइड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास कैसी है, इक्वल। नेक्स्ट आप लोगों के पास वेराइटी आई है राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, वर्टिकल लाइन जिसने 90 का एंगल बनाया, इसे आप लोग परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। जहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उस साइड को हम लोग बेस का नाम देते हैं, और जो हमारे पास दो परपेंडिकुलर बेस को स्लैंट फॉर्म में मिलाती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं।
और इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स इंपॉर्टेंट होती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास, और इसका एक एंगल हमारे पास क्या हो जाता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री एंगल जिस साइड के साथ बनता है, दिस साइड इज नोन एज योर बेस। तो इसका एक बहुत अच्छा सा और बहुत पुराना फार्मूला, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और अगर हम इसे पैरामीटर निकालना है, फिर वही सेम ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दिया गया। और व्हाट विल बी द एरिया, एरिया इज द हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द टू लेग्स। हमारे पास दो लेग्स जो हमारे पास रहेंगी परपेंडिकुलर बेस, उसके प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसका हाफ कर दोगे तो आप लोगों के पास क्या निकल कर आएगा, एरिया। नेक्स्ट इज योर आइसोसेलस ट्रायंगल। ये हमें नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, देन दैट इज नोन एज योर आइसोसेलस ट्रायंगल। पैरामीटर क्या होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि दो साइड इक्वल है, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 2a प्लस बी। एंड व्हाट विल बी द एरिया, एरिया ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चे, इसे ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सीखिए। इट विल बी इक्वल टू बी बाय 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। ध्यान रखिएगा बच्चा, ए हमारे पास वो लेंथ होगी जो आप लोगों के पास इक्वल चल रही है, बी हमारे पास वो लेंथ है जो हमारे पास उन दोनों इक्वल साइड से डिफरेंट है। तो हम लोगों के पास इसका एरिया निकालने का फार्मूला होगा बी बाय 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। नेक्स्ट वैरायटी आप लोगों के पास आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आइसोसेलस भी है और राइट एंगल भी है। तो इसका फार्मूला वही सेम, हाफ लेग स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द पैरामीटर, पैरामीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बहुत कम यूज होता है आप लोगों के साथ, शायद आप सीख भी पहली बार रहे होंगे, बट इस चीज़ को इस चीज़ से ध्यान से देखिएगा। 3.414 इंटू लेग, हमारे पास जो हमारे पास आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल की लेग है उसको हम यह मल्टीप्लाई करते हैं। यह एरिया निकालने का एक फार्मूला हमारे पास ये भी यूज़ होता है, 0.043 इंटू पी स्क्वेयर। व्हाट इज पी, पी स्टैंड फॉर द पैरीमीटर। ये फार्मूला आप लोगों के शॉर्टकट्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस फार्मूले में हम पैरीमीटर की हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं और एरिया की हेल्प से पैरीमीटर्स निकाल सकते हैं, जबकि हमें ट्रायंगल्स की लेग्स के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इस फार्मूले के साथ यही आपके साथ कवर किया है। इन एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल द पैरीमीटर इज 20 मीटर। हमें पैरीमीटर 20 मीटर है, फाइंड द एरिया। ये तो श्योर हो गया आइसोसेलस है, राइट एंगल है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा उसकी लेग की लेंथ कितनी है। तो हमें सिर्फ पैरामीटर है, पैरामीटर की हेल्प से अगर हमें एरिया निकालना है तो सेम फार्मूला जो आप यूज़ कर रहे हो, 0.043 इंटू पी स्क्वेयर। व्हाट इज पी, पी इज द पैरामीटर, एंड व्हाट इज द पैरामीटर गिवन हियर, दैट इज 20, एंड आंसर विल बी 17.2 मीटर स्क्वेयर। यूनिट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरिया है हमारे पास तो मीटर स्क्वेयर में आएगा, और अगर पैरामीटर होता तो वो सिंगल यूनिट यानी मीटर में मेंशन। कुछ एग्जांपल कवर करते हैं ताकि आपको पता लगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। अभी अभी आपको ध्यान रहना चाहिए 1/√3/4 एस स्क्वेयर। अभी आप लोगों को याद होगा फार्मूले में शायद मैं ए स्क्वेयर लिखती थी, एस लिख दीजिए क्योंकि हमें साइड की बात कर रहे हैं। जैसा भी आपको इजी लगता है, कितना दिया हुआ आप लोगों को 16 सेंटीमीटर, वैल्यू फीड करेंगे देन आंसर विल बी 64√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर, now you have the next example. If the sides of a triangle are 26 cm, 24 cm and 10 cm,
वट इज़ द इट्स एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोगों का एक क्वालिटी है स्पेशल कि हम लोगों को यहाँ बताया गया है साइड्स की लेंथ 26, 24 एंड 10। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, क्योंकि हमें उसने ट्रायंगल की टाइप मेंशन नहीं की हुई, तो देखकर ये पता लग रहा है ये इक्विलेटरल नहीं है क्योंकि तीनों की लेंथ डिफरेंट है। ये देखकर भी पता लग रहा है ये आइसोसेलस नहीं है क्योंकि हमारे पास दो साइड्स भी इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स या तो ये राइट एंगल हो सकता है या आइसोसेलस राइट एंगल हो सकता था, पर सेम ऑब्वियस आइसोसेलस राइट एंगल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोगों के पास तीनों साइड्स डिफरेंट है। चलो हम पहले इसे चेक करते हैं कि राइट एंगल के लिए कंपेयर आता है कि नहीं। या हम इसको कंपेयर करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज रख के आप लोग को पता लग रहा होगा ये वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई कर रही है और नेचुरली जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, नेचुरली अगर 26 वाला अगर आपका हाइपोटेन्यूज बन गया तो इसमें एक साइड बेस हुई और एक साइड आप लोगों के पास क्या हुई, हाइट हुई। हाफ बेस इंटू हाइट एंड आंसर विल बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज द पैरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर। ध्यान से, पैरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज, इन रेडियस क्लियर है, इन रेडियस जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन गया उसकी रेडियस, एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, पैरीमीटर दिया गया है हमें, इन रेडियस दे दिया गया हमें, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर। चलो ट्रायंगल का एरिया हमारे पास फार्मूले में बहुत इजी, यहाँ ये ध्यान रखिएगा ये पहले मेंशन नहीं हुआ गया कि अगर हमें इन रेडियस दिया गया है तो उसका हमें एरिया कैसे फाइंड आउट करना। आर इंटू एस, वट इज आर, आर इज द रेडियस एंड वट इज एस, एस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, कई बार हम एस सेमी पैरामीटर के लिए यूज कर रहे हैं और कई बार हम लोग एस को साइड के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एस आप लोगों के लिए सेमी पैरामीटर है और सेमी पैरामीटर हम निकाल सकते हैं, हाफ हो जाएगा टोटल पैरामीटर का एंड इट विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वैल्यूज बैक रखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 150 मीटर स्क्वायर एंड बेस एंड हाइट आर इन रेशियो 3:4, इट मीन्स बेस और हाइट की 3:4 दी गई है। ये तो आप शॉर्टकट से भी बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड द हाइट एंड द बेस, हमें दोनों फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी। हमें ये यहाँ पर हमें किसी भी ट्रायंगल की टाइप के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है, हम रेशियो ब्रेक करते हैं, सपोज करते हैं बेस 3T है और हाइट कितनी है आप लोगों के पास 4T। एक हम लोगों के पास स्टैंडर्ड फार्मूला जो सभी तरह के ट्रायंगल्स के लिए यूज हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, फीट करते हैं तो किसके इक्वल होगा 150 के लिए। सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपके पास टी स्क्वेयर की वैल्यू 25, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 5। ध्यान रखिएगा टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमें इसे रेशियो ब्रेक करने के लिए यूज़ किए, और जब हम इसे ब्रेक करके यूज़ करेंगे तो आप लोग के पास बेस हो गया 15 और हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर। इन एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द वन लेग इज 10 मीटर। हमारे पास लेंथ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें सिर्फ एक लेग की लेंथ पता है, यानी इस ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को एक कंडीशन ही पता थी, लेग की लेंथ, फाइंड द एरिया एंड द पैरीमीटर। एरिया और आपको पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। चलो शुरू करते हैं एरिया, ये हमने फार्मूला मेंशन किया है लिस्ट में, एरिया इज द हाफ लेग स्क्वायर, रखिए वैल्यू लेग्स की, लेग है 10 मीटर। सॉल्व करते हैं तो आंसर विल बी 50 मीटर स्क्वायर।
एंड व्हाट इज द पैरीमीटर, ये मैंने आपको स्पेशल मेंशन किया था, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एंड पैरीमीटर इज 3.414 इंटू लेंथ ऑफ लेग विच इज 10 मीटर. फीड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 34.14 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट, और अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए. फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हूज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. चलिए हम लोग बात करते हैं, ये भी हम पहली बार डिस्कस करें, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. हमने ये स्टैंडर्ड फार्मूला तो सीखा ही है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ थ्री साइड, यानी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. तो वो आप लोगों के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा इफ ए स्क्वेयर इज लेस देन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. वो आप लोगों के पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा इफ ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, देन दैट इज नोन एज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. हम यहाँ फीड करते हैं, फीड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स द एंगल इज ग्रेटर देन 90. और अगर एंगल 90 से बड़ा है तो दैट ट्रायंगल इज नोन एज योर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. The length of the sides of a triangle are proportional to the number 5, 12 and 13. ध्यान से रखिएगा, ये लेंथ की साइड्स नहीं है, ये साइड्स की सॉरी साइड्स की लेंथ नहीं है, ये उनकी प्रोपोर्शनैलिटी दी गई है हम लोगों को. द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 1.6 मीटर. लार्जेस्ट और स्मॉलर साइड के डिफरेंस दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें एरिया फाइंड आउट करना है. वही चीज बच्चा, यहाँ में पहले ये नहीं बताया गया कि हमारे पास ट्रायंगल किस वेराइटी का है, उसे चेक करने के लिए आप लोगों को पता लग रहा है इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलस नहीं है. हम राइट एंगल पर ट्राई करते हैं, और राइट एंगल ट्राई करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया. चलो अब लार्जेस्ट क्या हुई 13t, स्मॉलेस्ट क्या हुई 5t, आपस में माइनस करते तो आंसर कितना आएगा 1.6. टी की वैल्यू सॉल्व करते हैं, राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू 5.2. बस अब तो हमारे पास क्लियर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है. लॉन्गेस्ट साइड आप लोगों के पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो एक साइड बेस हुई और एक साइड हाइट हमारे पास. तो हम अपने फार्मूले में रखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज बेस एंड हाइट, और वैल्यू रखते हैं टी की बैक सॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास आता है 6.5 विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर स्क्वेयर. क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा. द नेक्स्ट एग्जांपल, इफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8, 10 and 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया. सेम पीछे की तरह हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पास एंगल किस वैरायटी का है. अगर एंगल पता लग जाए, हमें साइड पता लग जाए कौन सी वैरायटी के अकॉर्डिंगली फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो जर्नल एक हीरोज फार्मूला हम सीख के आए हैं. एस सेमी पेरीमीटर निकालिए, वैल्यूज रखिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल ऑफ अंडर रूट. ए है 8, बी है 10, सी है 12, एस होगा आपके पास 15. वैल्यू जब यहाँ बैक फीड करते हैं, स्क्वेयर रूट पावर रूट आपको आता होगा, नहीं आता तो इसे हम लोग जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप उस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं एंड आंसर विल बी 39.60 मीटर स्क्वेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड. ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, और दोनों के बीच का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है. द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस.
ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, हमारे टाइम भी ये बहुत क्वेश्चन आता था, पर बहुत इजी है हम लोगों को। हमें नहीं मालूम एल्टीट्यूड कितना होगा, हम सपोज करते हैं 30 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली बेस कितना हो गया हम लोगों के पास t.3t-4। लगाइए फार्मूला एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट, सारी वैल्यूज फीड करते हैं, टी की इक्वेशन तैयार होती है, और टी की इक्वेशन के बाद टी की दो वैल्यूज आती है 12 and 16। आप लोग देख रहे हो ये 12 and 16 आंसर हमारे पास हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स इसमें से एक बेस और एक हाइट, हाइट की वजह हम एल्टीट्यूड गए तो ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया। तो एल्टीट्यूड होगा आप लोगों के पास 16 सेंटीमीटर और बेस हो गया आप लोगों के पास 12 सेंटीमीटर। लास्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर, इफ बेस इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। हमें इक्वल साइड्स के इक्वल लेंथ चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला आपने सीखा था पीछे, इट इज इक्वल टू 2a + b, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करना है। दो साइड्स की लेंथ ए और ए हुई, तो तीसरी साइड की लेंथ क्या हो गई, बी। नेचुरली ए हो गया लेंथ ऑफ इक्वल साइड, बी हो गया लेंथ ऑफ बेस, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया हमारे पास ए का लिए, विच इज इक्वल साइड, इट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। Therefore, the length of base is 32 centimeter. Thank you. मुझे लग रहा है आप लोगों को ट्रायंगल से रिलेटेड काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं फर्दर पॉलीगॉन्स को, फोर साइडेड फिगर, फाइव साइडेड फिगर्स को कवर करूंगी। इसलिए ये आप मेरा लेक्चर सुनते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe. Thanks.